सिंचाई की टेक्नोलॉजी के हवाले से हम यहाँ सीखने आए। हम इधर स्कूल में पढ़ते हैं, रीड फाउंडेशन हाई स्कूल जला में, इधर से हम इधर ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं जाला तहसील दिरकोट के मुकाम पे। आज हम स्टूडेंट्स को मकई की पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से गाइड कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं, बच्चों से सोइंग भी करवा रहे हैं। उनको हमने प्रैक्टिकल तरीका बताया कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला स्टेप है, पहले तो हम ज़मीन तैयार करते हैं, उसके बाद हमने ये किया कि एक डोरी की मदद से लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम लाइन के अंदर बीज डालेंगे, उसको कवर करेंगे। इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँ कि हमने इसमें गोबर की खाद भी इस्तेमाल की है और ये भी खाद भी हमने ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल की है। कितना यहाँ प्रैक्टिकल करने वाले कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं, एक स्टूडेंट से हम बात करना चाहते हैं, आलिया नाम है इनका। तो आप बताओ कि आपने क्या कुछ सीखा है आज, क्या कर रहे हैं? जी हमने सीखा है कि यहाँ प्लांट की टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी के हवाले से हम यहाँ सीखने आए। हम इधर स्कूल में पढ़ते हैं, रीड फाउंडेशन हाई स्कूल जला में, इधर से हम इधर ऊपर खेत में आए। टेक्नोलॉजी के बारे में हमने आज सीखा है, गंदा मकई की टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये हम इसको किस तरह इसके बीच उगा सकते हैं। प्लांट 9 इंच डिस्टेंस रखते हैं और ये रो टू रो जो डिस्टेंस रखते हैं, हम 2.5 फुट डिस्टेंस रखते हैं। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा है, हम सबको ये करना चाहिए।